गुरुवार को मुस्लिम समाज का बड़ा रोजा था। इस मौके पर देर रात तीन गली की मस्जिद, टाल मोहल्ला और सारवन मोहल्ले की मस्जिद में भारत की खुशहाली और अमन चैन की दुआ के साथ कुरान पाक का खत्म होने पर मस्जिदों में इबादत के साथ आयोजन किए गए। दरअसल आपको बता दें, मुस्लिम समाज का पवित्र रमजान मुबारक माह चल रहा है और ताक रातें भी चल रही हैं। ताक रातों का मतलब होता है कि रात भर मस्जिदों में इबादत का सिलसिला चलता है और बंदा परवरदिगार से अपने गुनाहों की माफ़ी तलाबी करता है और जो बीमारियों से ग्रस्त होता है वो अपनी बीमारियों से निजात मांगता है। मुस्लिम समाज के लिए बड़े रोजे की सबसे बड़ी अहमियत रहती है। फिलहाल रमजान के आखिरी अरसे चल रहे हैं, जहाँ पर मस्जिदों में इबादत के बाद शरबत और लस्सी का वितरण किया गया, जिसके बाद मुस्लिम समाज ने स्वच्छता का परिचय देते हुए स्वच्छता अभियान चलाकर सफाई करते भी नजर आए। यहाँ शरबत और लस्सी बांटने के बाद रोड पर पड़े डिस्पोजल के गिलासों को उठाते हुए नजर आए। महू से अंजित मुनुबाथम की रिपोर्ट। काम किया गया है, आज बड़ा रोजा था, 27वीं शब थी आज का प्रोग्राम था, शरबत वगैरह का सबको तकसीम करा और आज पूरी रात नमाज इबादत के लिए, इबादत की रात है। आज के दिन क्या होता है, मतलब सब आज का बड़ा रोजा है, 27वीं सब है, आज बड़ा रोजा है, आज बड़ा रोजा है, पूरी रात इबादत की रात है, इसलिए हमने ये आज हमारा कुरान शरीफ खत्म हुआ, इसकी खुशी में हमने आज कुरान शरीफ खिलाया, शरबत तकसीम करा है। आपका नाम बता दीजिए। मोहम्मद नवाब कुरैशी।